हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकार एग्जाम में फ्रेंड स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यूपी एनएचएम 2022 में जो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली थी, इसमें पद 2980 पद निकले थे। एसटीएस, एसटीएलएस और विभिन्न पद निकले थे। एडमिट कार्ड आ गया। फ्रेंड्स, अभी आप डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट भी देखें। फ्रेंड, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने गूगल में यूपी एनएचएम अपडेट में लिंक डालना है। फ्रेंड, डालने के बाद में आप क्या ये यूपी अपडेट और उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के फ्रंट से हम देखो इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक फॉर एलटी सीनियर एलटी एसएसटीएस एंड एसटीएलएस पोजीशन अंडर एनएचएम यूपी मार्च 2022 में। और इसमें मॉक टेस्ट लिंक फॉर एल टी एस टी इसमें एंड एस टी एल एस पोजिशन अंडर NHM यूपी मार्च 2022 में इसमें मॉक टेस्ट भी दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या एडमिट कार्ड में डाउनलोड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा खुल गया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्री टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉग इन टू डाउनलोड एडमिट कार्ड दिया, आपको इसमें क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद में आपको देखिए ये लॉगिन करने के लिए खुल गया। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन, तो आपको यूज़र आईडी इसमें सेंड करनी है, पासवर्ड आपको इसमें डालना है एंड इसमें ये कैप्चर कोड दिया। कैप्चर कोड डाल करके आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद में अगर आप मॉक टेस्ट लिंक देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया है ये मॉक टेस्ट लिंक फॉर एल टेस्ट पोजीशन, ये पूरा दिया। फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखिए ये पूरा लॉगिन करने के लिए खुल गया। आपको क्या करना है, इसमें साइन इन करना है। फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए पूरा ये खुल गया। आपको यहाँ पर चूज़ योर डॉलर लैंग्वेज, आपको यहाँ पर लैंग्वेज को चूज़ करना है, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी में हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेना, फिर यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप ये देखिए प्रोसेस ये खुल रहा है। देखिए ये ओपन हो गया। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पूरा ये दिया हुआ, आप लोग इसको देख सकते हैं। आपको ऐसे ही मतलब करने को मिलेगा, इसमें सेकंड में जाइए, फोर्थ में, ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।